मेडगेयर टुडे मैगजीन ने प्रस्तुत किए एमटी इंडिया हेल्थ केयर अवार्ड 2013, जिसमें इंडियाज बेस्ट डॉक्टर्स में डॉक्टर दीपक अरोड़ा को बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से नवाजा गया। सेक्स समस्याओं का सही समाधान मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेक्स समाधान। आपके साथ मैं हूं सनी वालिया। इन दिनों हम उन सेक्स संबंधी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं जो काफ़ी आम हैं, जिनमें से एक है पेनिस साइज। आज जानेंगे कि क्या होता है एवरेज पेनिस साइज और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या है पेनिस एनलार्जमेंट। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूएसए सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक अरोड़ा, जो सिर्फ एक सेक्सोलॉजिस्ट ही नहीं है, वो इंडिया के पहले ऑनलाइन सेक्स क्लिनिक के फाउंडर भी हैं। उनका ऑनलाइन सेक्स क्लिनिक, जो कि उनकी वेबसाइट www.drarodas.com पर है, जिसके माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में मरीज घर बैठे बैठे डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू सनी। डॉक्टर साहब, पेनिस साइज की हम बात कर रहे हैं, जानना चाहेंगे कि एवरेज पेनिस साइज क्या होता है। सनी, एवरेज पेनिस साइज की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज से पहले ये जानना जरूरी होता है कि नॉर्मल पेनिस साइज क्या होता है, जो जिसको हम मेडिकली नॉर्मल कंसीडर करते हैं। एक फीमेल के वजाइना की डेप्थ अप्रॉक्सीमेटली 6 इंचेस होती है, और उस 6 इंचेस में से जो ऊपर का, जो बाहर का 2 इंचेस है, सिर्फ 2 इंचेस हिस्सा ही मोस्ट सेंसिटिव होता है। और आपने सेक्स करते दौरान उसी 2 इंच हिस्से को स्टिमुलेट करना है, तो मेडिकली अगर आपका पेनिस 2 इंच या 2 इंच से लंबा है तो वो साइज नॉर्मल कंसीडर होता है। अगर हम एवरेज साइज की बात करते हैं हमारे कंट्री में, सो एवरेजली पेनिस साइज समवेयर अराउंड 5 इंच के आसपास होता है, बट मेडिकली नॉर्मल जो 2 इंच से लंबा है वो मेडिकली नॉर्मल कंसीडर होता है। डॉक्टर साहब, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर का सवाल जान लेते हैं। जी, मेरा नाम है राकेश साव, कलकत्ता से बोल रहे हैं। मेरा उम्र 39 है। मेरा पेनिस के अंदर फट पड़ता है, बहुत छिलकाता है, दाना दाना हो गया है, लीन तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, और लीन का साइज कम है, 1.5 मिनट 1 मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाता है। स्पर्म काउंट भी बहुत कम है। मेरा शादी 6 साल हो गया, अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ है, मेरी दीदी मुझसे नाराज रहती है। राकेश जी, आपने जो जो समस्याएं बताई, आपके पेनिस के फोरस्किन पे कट्स आ गए, आपके फोरस्किन पे या ग्लांस पे दाने हो गए हैं, इसके लिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हाइजीन मेंटेन कीजिए और अपने लोकल एरिया में अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाइए, ताकि इसका सही हल मिल सके और इसका ट्रीटमेंट लेके आप ठीक हो सकें। इसमें दूसरा प्रॉब्लम आपने ये बताया कि आप इजैकुलेट जल्दी हो जाते हैं। अब इजैकुलेशन के लिए आई अगेन सजेस्ट आप फोर प्लेस पे अच्छा ध्यान दीजिए। फोर प्लेज करते टाइम अगर आप और आपका पार्टनर, आप दोनों लोग उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपका सिंगल पेनिट्रेशन भी आपके पार्टनर को बहुत सुख दे सके, तो आपके थोड़े से मिनट या थोड़े से सेकंड भी आपके पार्टनर को उस ऑर्गेज्म के लेवल तक लेके जा सकते हैं। तीसरी समस्या आपने बताई है कि आपका स्पर्म काउंट कम है। अब वो स्पर्म काउंट कम होने के लिए आपने कोई टेस्ट करवाया, आपने सीमेन एनालिसिस टेस्ट करवाया है, या आपकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही है, सिर्फ इसी से आप सोच रहे हैं कि आपका स्पर्म काउंट कम है, शायद इसीलिए वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। आपकी वाइफ के कंसीव करने में आपकी और आपकी वाइफ दोनों की तंदुरुस्ती ज़रूरी है। आप अपनी वाइफ को एग्जामिन करवाइए और साथ ही साथ अपना सेमेन एनालिसिस टेस्ट करवाइए। अगर उस टेस्ट रिपोर्ट में आपका स्पर्म काउंट कम आता है तो अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर से बात कीजिए, उसका भी इलाज हो जाएगा, आपका स्पर्म काउंट भी ठीक हो सकता है, आपकी वाइफ कंसीव कर सकती हैं। और इजैकुलेशन के लिए आप फोर प्लेस पे ध्यान दीजिए। अगर फिर भी आपको लगे कि आप अब भी इजैकुलेट जल्दी होते हैं और आपकी वाइफ डिससेटिस्फाइड रहती है इवन आफ्टर स्पेंडिंग गुड क्वालिटी टाइम इन फोर प्लेस, उस हालात में सनी इनको आई सजेस्ट कि इनको अच्छे डॉक्टर से बात करनी चाहिए और अपना पूरा हालात बयान करें वहाँ पे, और अकॉर्डिंगली जैसे डॉक्टर इनको सजेस्ट करते हैं उसी मुताबिक ये अपना इलाज करवाएं, ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डॉक्टर, हम चर्चा कर रहे हैं पेनिस साइज पर, तो यहाँ पर जानना चाहेंगे कि पेनिस की लंबाई ज़्यादा मैटर करती है या फिर गर्थ। सच कहूँ तो पेनिस की लंबाई अगर 2 इंच से ज़्यादा है
तो लंबाई और गर्द दोनों ही मैटर नहीं करते हैं, बिकॉज वो पूरी तरीके से नॉर्मल है. वजाइना ये वो ऑर्गन है जहाँ पे एक उंगली भी टाइट रहेगी, वहीं पे पैनिस एंटर होता है, वो भी टाइट होता है, और वहीं से जब एक माँ बेबी डिलीवर करती वहाँ से एक बच्चा भी निकल जाता है. सो दैट ऑर्गन कैन अकोमोडेट एनी गर्थ. दैट ऑर्गन इट्सेल्फ इज हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी. जो साइज का पैनिस उस वजाइना के अंदर एंटर होगा, वो वजाइना अपने आप उसी को अकोमोडेट कर लेगी. सो प्रैक्टिकली गर्थ बिल्कुल मैटर नहीं करती है, और जो लंबाई है वो हमने पहले भी इसी एपिसोड में बताया कि 2 इंच अगर होता है मेडिकली वो नॉर्मल कंसीडर होता है. तो अगर आपका पैनिस 2 इंच या 2 इंच से लंबा है तो आप साइज को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए. नो डाउट 2-2.5 इंच एक जो एवरेज साइज हम कंसीडर करते हैं उससे कम है. 2-2.5 इंच साइज आपको कुछ पोस्चर्स में ज़रूर परेशान कर सकता है कि कुछ पर्टिकुलर पोस्चर्स में आप पेनिट्रेशन 2-2.5 इंच साइज पैनिस से नहीं कर पा रहे हैं, बट मेडिकली वो सही है. और अगर आप दोनों की आपसी ट्यूनिंग है और आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो देयर इज नथिंग टू वरी. अगर आपको लगता है कि आपका पैनिस साइज 2 इंच से ऊपर है बट फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ पर्टिकुलर पोस्चर्स में आप प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पार्टनर को उस पर्टिकुलर पोस्चर में इवन फर्स्ट 2 इंचेस में भी वो जो रियल स्टिमुलेशन की फीलिंग चाहिए वो नहीं आ पा रही, देन वी कैन लुक एट द ऑप्शंस जिससे हम साइज को इंक्रीज कर सकें. डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा. जी, सेक्स समाधान में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और चीज़ों पर, कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे पैनिस साइज से जुड़े. एक छोटे से ब्रेक के बाद डॉक्टर दीपक अरोड़ा USA सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं. अब पाइए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पैनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना, जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से. यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन www.drarodas.com पर. drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है. गोपनीयता की 100% गारंटी. संपर्क करें